इतनी योजनाएं हैं, कहां गरीबी उसमें आए कि बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। आपके अंदर लगन होना चाहिए बच्चे के। कैमूर के कुदरा में मना प्लस टू उच्च विद्यालय जहानाबाद का स्थापना दिवस। पूर्व कृषि मंत्री और भभुआ के विधायक ने लिया हिस्सा। विद्यालय के विकास और उत्थान पर हुई चर्चा। बिहार के कैमूर जिला के कुदरा प्रखंड में प्लस टू उच्च विद्यालय के संस्थापक भगवान प्रसाद सिंह की पुण्यतिथि और विद्यालय का स्थापना दिवस समारोह का आगाज किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री एवं रामगढ़ के विधायक सुधाकर सिंह और भभुआ विधायक भरत बिंद ने भाग लेकर कार्यक्रम का फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने विद्यालय के संस्थापक भगवान प्रसाद सिंह के तैलीय चित्र पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। सभा को संबोधित करते हुए भभुआ विधायक भरत बिंद ने कहा कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी को आगे आना होगा और इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा, तभी शिक्षा की अलख जगेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा से ही विकास संभव है, इसलिए सभी अपने अपने परिवार में बच्चों को उच्च शिक्षा दे, राज्य सरकार सहयोग देने के लिए तैयार है। वहीं रामगढ़ विधायक सुधाकर सिंह ने छात्र छात्राओं को डिजिटल वर्क के लिए जागरूक किया। इस अवसर पर अभय सिंह, पवन बिंद, अशोक यादव कैमूरी के अलावा विद्यालय के शिक्षक और छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए कैमूर से सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। एवं आने वाला शुरू साल का मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं कि आप लोगों का अंतिम साल का अंतिम महीना भी अच्छा बीते एवं आने वाला शुरू साल भी अच्छा व्यतीत हो। यहाँ तक स्वर्गीय बाबू भगवान प्रसाद सिंह जी के बारे में हम लोगों को याद करने का जो मौका मिला है, हम धन्यवाद देते हैं उनके परिवार को और खासकर यहाँ गुरुजन लोगों को, जिन्होंने शिक्षा के बदौलत आज हम प्रत्येक साल इनकी याद में यहाँ उपस्थित होते हैं। उनकी सोच जो है, माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा राव फुले के रास्ते पर उन्होंने चलने का काम किया और उनको याद करके इसमें भूमि दान दिए और इस विद्यालय का नाम रोशन किए हैं। मैं उनको बार बार उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथियों, शिक्षा के बारे में हमारे अभी प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकगण आदि बात कर रहे थे, हम छात्रों से भी कहेंगे कि आप एक दिन भी विद्यालय न छोड़ें, क्योंकि जैसे एक दिन अगर एक शाम को हम भोजन नहीं करते हैं तो उसकी पूर्ति हम आगे कई दिनों तक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम दो रोटी शाम को खाते हैं तो अगले दिन तो चार रोटी तो हम खाएंगे नहीं, क्योंकि मेरी खुराक दो रोटी की है, तो हम अगर खाते नहीं है तो दो रोटी के बजाय हम अगले दिन चार रोटी कहाँ खाएंगे। इसलिए बच्चों को भी मैं कहना चाहूंगा कि आपका जो पाठ्यक्रम चल रहा है, अगर आज उस लेसन में आप अगर अनुपस्थित हो जाएंगे तो अगले दिन तो वो पढ़ाया नहीं जाएगा, शिक्षक लोग हमारे गुरुजन जो हैं वो आगे बढ़ जाएंगे, आप अधूरा रह जाएंगे, उससे पीछे रह जाएंगे। इसलिए विद्यालय जरूर आवे, एक दिन भी विद्यालय नहीं छोड़ना चाहिए। संत गाड़गे महाराज ने शिक्षा के बारे में कहा था, बहुत हमारे साथियों ने, मैं कई विद्यालय में जाते हैं और बच्चों से पूछता हूँ, गार्जियन भी मुझसे, चूंकि जनप्रतिनिधि हैं, उस आने के क्रम में वो लोग उनसे पूछता हूँ पढ़ाई लिखाई के बारे में, तो लोग कहते हैं कि मैंने अपने बच्चों को आठवां या दसवां तक पढ़ा के फिर छोड़ा दिया। हमने कहा आपने क्यों छुड़ाया, तो उन्होंने कहा कि सर गरीबी है। मैंने कहा कि आप गलत बोल रहे हैं, आपने प्रयास नहीं किया कि इतनी योजनाएं हैं, कहां गरीबी उसमें है कि बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। आपके अंदर लगन होना चाहिए, बच्चे के अंदर लगन होना चाहिए, बच्चों को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हमें इस चीज की कमी है, कलम नहीं है, किताब नहीं है, या कोई पठन पाठन की सामग्री हमारे पास नहीं है। ये बच्चों के अंदर
भावना नहीं होना चाहिए गार्जियन का। इसी पर संत गाडगे महाराज ने कहा था कि अगर बच्चों को पढ़ाने के लिए कलम कापी की अगर जरूरत पड़े और आपके पास पैसे नहीं है तो जो आपके खाने वाला बर्तन है उस खाने वाले बर्तन को मार्केट में बेच दीजिए, भले ही आपको खाना जो है हाथ पर खाना पड़े लेकिन उस बर्तन को बेचकर उस पैसे से अपने बच्चों को कलम और किताब जरूर लाएं। ये संत गाडगे महाराज ने कहा था। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि दुनिया में अगर कोई बढ़ा है तो शिक्षा के बदौलत बढ़ा है। आज हम लोग भी आज ही माइक पकड़े हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षा की देन है। भाई सुधाकर सिंह जी जो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ बैठे हैं, हम लोग सदन में जब बैठते हैं तो भाई ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।